हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी दोस्तों का अपने पेज पर, अपने चैनल पर। भाई खूब सो भाई सभी दोस्तों के कबूतर अच्छे होंगे भाई। तो भाई काफ़ी सारे भाइयों के फ़ोन और मैसेज आ रहे हैं कहीं भाई, तो लगातार भाई कि कबूतर है ना हमारे उड़े नहीं रहे हैं, ठीक है। और कबूतर खुल नहीं रहे हैं भाई, पहले काफ़ी अच्छी उड़ान देते थे लेकिन अब खुल नहीं रहे हैं काफ़ी एरिया में ना भाई। आजकल बाजी चल रही है, अभी अपना यूपी साइड काफ़ी एरिया ऐसे हैं जहाँ पर अभी बाजी वगैरह लगने लग रही है, अभी भी चल रही है बाजी, और वहाँ पर कोई वगैरह भी नहीं आ रही, तो उनकी बाजियाँ अभी चली हुई हैं। तो भाई एक भाई का फ़ोन आया, कई बार ही आ लिया, और एक दो भाई का भी कमेंट भी आया कि भाई कबूतर हमारे पहले अच्छे उठते थे लेकिन अब उड़ नहीं रहे। भाई थोड़ी सी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं सभी दोस्तों के लिए, जो भाई नए कबूतरबाज हैं जिनको थोड़ा सा अभी कबूतरबाजी का हिसाब कम है, ठीक है भाई, उनके लिए ये वीडियो रहेगी भाई। और जितना बताऊं ना मैं दोस्तों उतना ही करना, उससे ज्यादा ना करियो, ठीक है। अगर उससे ज्यादा या कम बत्ती करोगे आप, तो या तो कबूतर ज्यादा उड़ गया तो आप पे संभलेगा नहीं, या उड़ के निकल जाएगा भाई, ठीक है। उसका ये भी रहता है कि कई बार कबूतर उड़ के निकल जाते हैं। फिर अभी कुछ ही टाइम की बात है, एक भाई अपना पंजाब से वो देसी कबूतर उड़ाया कर रहा, तो मैंने उसको उड़ाने का तरीका बता दिया था भाई, मैं ऐसे ऐसे कर लेना। तो उस भाई ने किया भाई, थोड़ा ज्यादा कर दिया, थोड़ा ज्यादा कर दिया कबूतर। तो फिर भाई जो कबूतर 4 घंटे उड़ता हो, अगर वो कबूतर 5-6 बजा दे तो बहुत बहुत ही ज्यादा ताकत लगी है, समझो दोस्तों, ठीक है। उस कबूतर के साथ में यही हुआ भाई, कई कबूतर उड़ाए थे उस भाई ने, कहीं तो निकल गए। एक कबूतर शाम को 7 बजे बैठे, क्योंकि भाई जितना बताया था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया भाई ने। ऐसा ही भाई, मैं अब आपको जितना बताऊंगा आपने उतना ही करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अपने अपने जो कबूतर खुल नहीं गए, पहले तो एक दो पॉइंट होता कबूतरों का भाई। देखो जो कबूतर हम उड़ाने लग रहे हैं, या कबूतर हमने अभी खोलने स्टार्ट किए हैं, जैसे अभी धूप वगैरह भी निकल रही है, जो कबूतर उड़ा रहे हैं, तो आपने जो कबूतर उड़ा रहे हो ना भाई, तो एक दो दिन कबूतरों को धूप में बैठाओ। धूप में बैठाना कैसे आपने, वो मैं आपको बता देता हूँ। अपने ना जो गुड़ बनाते हैं कबूतर को उड़ाने के लिए, एक्चुअली वो बना भी नहीं होगा, क्योंकि अगर भाई इतना हिसाब हो तो फिर थोड़ा अलग हिसाब होता। वीडियो तो बना रखी है मैंने गुड़ वगैरह के भी, आप पीछे देख सकते हो, बेस्ट रिजल्ट है। लेकिन फिर भी आप सिंपल गुड़ ले आना कहीं से भी, सिंपल गुड़, ठीक है, पुराना गुड़ ले लेना सिंपल, जो अपना ये होता ना चना होता है, चने के चना होता है जो काला छोला बोलते हैं इसको, उतने साइज का थोड़ा सा गुड़ देना अपने, जो अपना अपना कबूतर उड़ाना है उसको। और भाई 2 बूंद शहद की देनी है, दे के कबूतर को धूप में बैठा दो सुबह, 2-3 घंटे, 2 घंटे के लिए बिठा दो, ऐसा लगातार 2 दिन करो। जो कबूतर आपने उड़ाने लग रहे हो अभी, ऐसा आप लगातार 2 दिन करो। 2 दिन करने के बाद जो कबूतर उड़ा रहे हो, जैसे कल उड़ाना है हमने कबूतर, तो उसको शाम को है ना थोड़ा जल्दी दाना खिलाओ कबूतरों को, ताकि वो सुबह तक कबूतर के अंदर जो दाना ना, दाना वगैरह कबूतर के अंदर अच्छे से हजम हो जाए दोस्तों, ठीक है। एक तो भाई सिंपल सा तरीका ये करना अपने भाई, मैं तो बता सकता हूँ आपको एक तरीका, तो ये अपने अपने कबूतरों को कैसे उड़ाना है, और ये देवगे अगर आप अच्छे से करते हो भाई, इससे है ना कबूतर के अंदर के जो बोलते नहीं है कि जैसे काफी टाइम हमको काम करे हुए काफी टाइम हो जाता है, और जब हम एक ही दिन में काफी सारा काम कर देते तो गाता ना बिल्कुल टूट जाता है, टूट कर खत्म हो जाता है। असल तो जब काफी टाइम बाद करते हैं तो किसी काम को करने को जी नहीं करता, अगर करते हैं तो शरीर बिल्कुल टूट जाता है, ऐसा ही होता है। ऐसे ही है, जब काफी टाइम अंदर रह जाए ना तो इनका मन नहीं करता। जब हम इनको सामान देंगे, गुड़ वगैरह देंगे, शायद धूप लगाएंगे, तो वो शरीर के अंदर है ना जो गर्मी है ना, जो एकदम बाढ़ मरवा देगा, वो अंदर से शरीर को खोल देगा बिल्कुल, ठीक है। और दाना कम इसलिए खिलाना कबूतर को, कबूतर के अंदर जितना दाना कम होगा ना, कबूतर हल्का होगा, उतना ही कबूतर अच्छी उड़ार देगा दोस्तों, ठीक है, उतना ही कबूतर आपका अच्छी उड़ार देगा जितना उसके अंदर दाना कम होगा भाई। ये करना भाई, एक तरीका और बता देता हूँ मैं अपने, अगर दाना वगैरह ज्यादा भी रह जाता है कबूतर के अंदर, और कबूतर को दाना वगैरह हजम होना, ठीक है। एक भाई देखिए ना, त्रिफला का चूर्ण आता है दोस्तों, ठीक है, त्रिफला का चूर्ण आता है, ये पंसारी की दुकान पर कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है, त्रिफला के नाम से। और भाई ये बनता है ना हरड़ बहेड़ा आंवला से बनता है, ये 3 चीजों से मिलके बनता है ये चूर्ण, हम भी इसे यूज कर सकते हैं अपनी दैनिक लाइफ में, काफी अच्छा होता है ये हाजमे वगैरह के लिए, ठीक है, हाजमे वगैरह के लिए अच्छा होता है, आप भी चाहो तो आप इसको यूज कर सकते हो नॉर्मली भी, ठीक है। जिन कबूतरों को आप उड़ा रहे हो ना,
ये सभी भाइयों की जरूर ली है कबूतरबाज, जितने भी कबूतरबाज है ना सभी इसका यूज कर सकते हैं। आप गर्मी में उड़ा रहे हैं, सर्दी में उड़ा रहे हैं, जैसे जिस टाइम मर्जी उड़ा रहे हैं, ठीक है। कोई भी जो भाई कबूतर उड़ा रहा है तो इस चीज का यूज कर सकता है, ठीक है। ये त्रिफला का चूर्ण है भाई दोस्तों, देना कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस एक गिलासी पानी लेना है, कोई भी एक गिलासी पानी ले लेना, ठीक है, या एक कप ले लेना। अगर कप लेते हो आप तो आधा चम्मच ये चूर्ण डालना उसको। आपने अपनी गैस वगैरह पे, चूल्हे वगैरह पे गर्म करना पानी को, ठीक है। हल्की हल्की आंच पे उस पानी को है ना उबालना है, 5 मिनट कम से कम हल्की हल्की आंच पे उबाल कर, जब पानी का इस जब तक इसका अच्छे से रंग आ जाएगा उसके अंदर, और फिर उस पानी को उतार कर भाई ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद जो कबूतर आप सुबह उड़ावेंगे इस पानी के अंदर से आपने 10 ml सीरेंज लेगा कबूतर को, रात में देना है 10 बजे दे दो, 9:30 बजे दे दो, ठीक है। 10 ml वो देना सीधा पानी इसके अंदर से, उससे ये भाई कबूतर को है ना उसकी वगैरह अंदर की सफाई वगैरह अच्छे से कर देगा, ठीक है। सफाई वगैरह करेगा कबूतर आपका ना हल्का होने लग जाएगा, उस जो कबूतर हल्का होने लग जाएगा तो उसकी उड़ान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी भाई। जिसके अंदर ज्यादा वजन नहीं होगा कबूतर को तो उसकी उड़ान ना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये है भाई हल्का करने का, और खोलने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भाई जो पंजाबी कबूतर होते हैं ना जो हम छतरी वगैरह पे उड़ा रहे हैं, अगर वो 3-4 घंटे कबूतर उड़ रहा है, 4-5 घंटे कबूतर आपका उड़ रहा है, अगर आप ये त्रिफला का चूर्ण लगाते हो उसको, ठीक है। और जो तरीका मैंने आपको बताया कि आप भाई थोड़ा गुड़ देना, 2 बूंदे शहद की देनी है, और दे के धूप में बैठाना, अगर आप इतना करते हो ना आई गारंटी भाई आपका कबूतर इस मौसम में नॉर्मली भाई कबूतर 8-10 घंटे नॉर्मल उड़ जाएगा, 8 साढ़े 8 9 10 घंटे नॉर्मल उड़ जाएगा। अगर कबूतर आपका अच्छा खाया पिया है तो नॉर्मली भाई कबूतर पे ना खिलाई पिलाई पे भी ध्यान रखना सबसे ज्यादा, ठीक है दोस्तों। ठीक है भाई, ये खोलने का तरीका मैंने आपको बता दिया, काफी भाई भूत रहे थे, ठीक है भाई। वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, और भाई जो भाई चैनल पर नए आते हैं भाई, रिक्वेस्ट ही रहती है भाई सभी दोस्तों से, ठीक है। देखो भाई ये नहीं है कि हमको हम किसी की वीडियो देख रहे कहीं से देख रहे, वीडियो सबकी देखो भाई, ठीक है। अच्छी बात है, जिसका जो एक्सपीरियंस होता है ना वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कबूतर वाली यूट्यूब पर। अगर कुछ भाई ये भी सोचेंगे ना ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, देखो 100 के 100 तो कोई नहीं शेयर कर रहा होगा, लेकिन अगर वो 70-75% भी शेयर कर रहा, अगर उससे किसी भाइयों को फायदा हो रहा तो भाई ये फायदे की बात है दोस्तों। क्योंकि जहां से भी कुछ सीखने को मिले ना भाई वो बहुत ही अच्छी बात है, सीख लेना चाहिए, क्या पता किस टाइम काम में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो होप सो भाई जितने भी भाई वीडियो देखेंगे भाई चैनल पे, पेज पे, फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब पे, तो भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों, कमेंट किया करो भाई, ठीक है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब किया करो दोस्तों, ठीक है भाई। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।